ना ही बेलने का झंझट और ना ही आटा गूंदने का झंझट, फिर भी रोटियां आपको बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलने वाली हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिल्पी है और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी को अपने किचन में शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन्हें रोटियां बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और जिन लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में आप इसे झटपट तैयार करके रोटियां गर्मा गर्म बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल सेट किया है और उसमें एक कप गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें मैं दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू को जिसे मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा है, आप चाहें तो इसे बारीक अपने हाथों से ही मैश कर सकते हैं, लेकिन आलू बहुत अच्छे से मैश होना चाहिए। अब इसमें मैं बारीक कटे हुए एक मीडियम साइज के प्याज को ऐड कर दूंगी। दो से तीन हरी मिर्च को बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। अगर मिर्च आपको स्किप करनी है तो स्किप कर सकते हैं। अब मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियों को भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है, उनके छिलकों को भी उतार लिया है। आधी चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है। 1 चम्मच हल्दी ऐड करना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को ऐड कर देना है। आप ब्रेकफास्ट में इसे तैयार करके सर्व कर सकते हैं। अचानक से मेहमान घर में आ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है आप उनके लिए क्या बनाएं, ऐसे में आप इसे ब्रेकफास्ट में तैयार करके बना सकते हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 कप आटे को मिक्स करने के लिए मैंने लगभग 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। पानी यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। एक बारी में पानी को ऐड नहीं करना है, वरना आटे के अंदर लंग्स या गाँठे आ जाएंगी। तो आप इसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और मिक्स करते जाइए। आप इसे रात में इस तरह से इसका बैटर तैयार करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे लंच में बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसके बैटर को ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है। तो बैटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हमें लगभग 1 चम्मच के अराउंड ऑयल को ऐड करना है। ऑयल ऐड करने से हमारी जो रोटियाँ बनेंगी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। इसमें मैंने ऑयल को ऐड कर दिया है और फिर से हमें एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल जो है वो बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब तक मैं अपने बैटर को मिक्स कर रही हूँ, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, देखना पसंद है आपको मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह बैटर को तैयार कर लेना है और अब हम चलेंगे गैस की तरफ इसकी रोटियां बनाने। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है और इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बैटर को ऐड करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच बैटर के इस पैन के ऊपर मैं डालूंगी और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से फैला लेना है, देखिए इस तरीके से। रोटी हमारा ऊपर से ड्राई हो चुका है, अब इसे हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो देखिए इसका कलर जो है कितना अच्छा आया है, सुनहले कलर का ये एक तरफ से हो गया है। इसी तरह हम दोनों तरफ से सेक लेंगे रोटियों को। आप चाहे तो इसे ऑयल ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप बिना ऑयल के भी इसे पका सकते हैं। आप जब भी इसे पकाएं नॉनस्टिक तवे में ही पकाइएगा, नहीं वरना ये चिपक सकती हैं। और इसी तरह हम सारी रोटियों को तैयार कर लेंगे। तो जब कभी आपको आटा गूंधने और बेलने के झंझट से बचना है तो इस तरह की रोटियों को बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो जब कभी भी आपके पास समय ना हो रोटियां बनाने की या आटा गूंधने की, तो इस तरह से आप रोटियों को तैयार कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं। यकीन मानिए सभी आपकी तारीफ करेंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने प्याज ऐड किया है, नमक मिर्च ऐड किया है, इसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है नॉर्मल रोटी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। देर किस बात की है, फटाफट किचन में इन रोटियों को तैयार करें
और ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये रोटियां कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।